कि दीदी जन्मदिन कहिया है साहब का नाक जगह पर जरूर एक घोषणा करना है श्री गुरु के चरणों में प्रणाम शक्ति माँ भगवती के प्रणाम साहब और लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देशवासी गुरु भाई गुर के चरणों के प्रणाम मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देखिए गुरु भाई गुर लोग हम लोग शिव के गुरु बनाए हैं शिव जगत के गुरु हैं आदि गुरु जगत गुरु हैं तीनों लोग के मालिक हैं उनके गुरु हम लोग बनाए हैं कितना खुशी रहता है कि हम शिव शिष्य हाँ हैं और का शिव शिष का प्रोग्राम चल रहा है तन हम लोग का सूचना मिले देखिए दीदी लोग बहुत सुंदर एक सूचना मिला है कि साहब का बहुत सा गुरुबाहाना लोग कहिए फोन कर रही है बहुत बहुत वशकलाल गुरुबहना लोग हैं कि दीदी बताइए ना साहब का कब जन्मदिन है दीदी हम पता नहीं किए थे पढ़ा लिखल नहीं है मोबाइल में आया था लेकिन पढ़ा लिखल नहीं है कि उसको पढ़े कुछ दिमाग डिस्टर्ब था हम नहीं है, उसको बारे में ज़्यादा ध्यान दिए हम सोचे कि हमको ज़रूर सूचना मिल जाएगा वहाँ से फ़ोन चाहे कोई गुरु भाई बहना लोग कहते हैं फ़ोन आ जाता है तो हमको एक बहना अभी फ़ोन किए गोरखपुर से और साठ किलो और आगे के कि दीदी जन्मदिन कहिया है साहब का तो हम मोबाइल में लड़का से मैसेज मराए तो इक्तीस तारीख के साहब का जन्मदिन है इकतीसे तारीख का दिवाली है शुभ दिवाली तो बताइए इतना खुशी का बात तो हम लोग के सोचने के मिल मिला था नहीं बहुत ही भाग से मिला है कि वो इन दिवाली के दिन साहब का साहब जन्म भी का थे तो दिवाली मना था बम पड़ा का लोग छोड़ा था दिवाली मनाया था और बताइए दिवाली के दिन साहब का जन्मदिन मन रहा है क्या सोचने का बात है क्या खुशी का बात है कि साहब का चारों दीप से जगमग जगमग संसार करेगा और हमारे साहब का भी ए, जन्मदिन भी जगमग जगमग करेगा तो दीदी लोग साहब कार्यालय से यही सोचना आया है कि साहब का जैसे हम लोग जन्मदिन में कोई बच्चा के जाते हैं तो कुछ तोहफा लेके जाते हैं ना क्या लेके जाते हैं गिफ्ट लेके जाते हैं तो गिफ्ट में जैसा बचा रहता है वैसा गिफ्ट जाता है तो हमारे साहब का गिफ्ट के ज़रूरत नहीं है उनका एक गिफ्ट का ज़रूरत ज़रूर है अवश है क्यों गिफ्ट कि आप दीदी लोग अपना दिवाली व्रत करते हुए दिवाली मनाते हुए और एक घोषणा जरूर कर देना है किसी गुरु भाई गुरबाना के घूम के टोला में मोहला में एक घोषणा जरूर कर देना है ऐसे बड़ा उनको तोहफा कोनो चीज़ नहीं है साहब का मेन तोहफा यही है हम लोग के जन्मदिन में देने के लिए एक घोषणा अगर एक घोषणा कर देती हैं आप तो बहुत सुखमय जीवन होगा आनंदमय जीवन होगा साहब का भी आत्मा के शांति मिलेगा तो दीदी लोग से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि सभी दीदी लोग भैया लोग जो भी हैं इक्तीस तारीख का साहब का जन्मदिन है जा दिन दिवाली है ता दिन साहब का जन्मदिन है आप लोग खुशी से मनाइए खुशी से सब कीजिए लेकिन सबसे खुशी है घोषणा घोषणा अगर कर दीजिएगा तो और उत्तम हो जाएगा और खुशी का बात हो जाएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है अपन काम करते हुए हाट बाज़ार में जाना ही है हाटे बाजार में पूछ के एगो घोषणा कर दीजिए और दस गो का हो जाएगा तो कोनो ख़राब हो जाएगा और खुशी के बात हो जाएगा लेकिन ना के जगह पर जरूर एक घोषणा करना है दीदी लोग ज़रूर आप लोग मदद करके कीजिएगा साहब का मेन तोहफा वो है ऐसे कीमती गिफ्ट कुछ नहीं है तो हम यही कहेंगे कि आप लोग तन मन से लग जाइए दीदी लोग साहब का खुशी मनाइए कि दिवाली का दिन उनका जन्मदिन मन रहा है यही शुभ अवसर पर हम आप लोग के सूचना देने के लिए ये चर्चा डाल रहे हैं जिस साहब ने हम लोग के धर्म के राह पर चलने के लिए दुख संकट कटने के लिए और हम लोग का राह बताए हैं वही साहब का जन्मदिन है तो हम लोग के उसमें क्या करना चाहिए तो हम लोग के साहब के आत्मा का संतुष्टि देना ज़रूरी है ना तो उसी दीदी लोग बहुत भाई गुरबाना के जानकारी नहीं है तो मेरा चर्चा सुनिएगा चर्चा सुन कर के जानकारी एक से एक दूसर का तीसर का सबको के हाथ में मोबाइल नहीं रहता है सूचना को आगे बढ़ा देना है आगे बढ़ा करके अपना गुरु में लग जाना है साहब का मन का जो चाहे फल है उसको देना है ते ही हम कहने के लिए दीदी लोग हमें चर्चा अपना छोड़ रहे हैं और शुभ दिवाली के अवसर पर आप लोग के कोटि कोटि चरणों के प्रणाम कर रहे हैं मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा सारी देश देशवासियों गुरु भाई बहनों के मेरा प्रणाम है दिवाली के शुभ अवसर पर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा और इस बातों का ध्यान दीजिएगा एक घोषणा जरूर करने का प्रयास आप लोग ज़रूर कीजिएगा यही कह के अपन वानी गुरु के चरण में रख रहे हैं और सभी गुरु भाई गुरु बहना के फिर से प्रणाम कर रहे हैं मेरा प्रणाम सभी कार्य कीजिएगा